पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको काम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। यस, सो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक टीजर पे जिसका नाम है धोखे प्यार के। ओहो, प्यार के धोखे इज वेरी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, एक होता ना सिंगल मिंगल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ट्रेलर कह रही हूँ, टीजर। रोशन कुमार सॉन्ग धोखे प्यार के 25 जुलाई को रिलीज हो रही गाना। यार आई मस्ट से इनके इनके गानों में एक्टर मार क्यों लेती है अपने आप को। एक वो भी तो ना तेरा नाम धोखा रख दो नाराज हो, वो भी अच्छा था। नाराज होगी क्या वो अरिजीत सिंह नहीं आया था मेरा ख्याल से, बट ये बी प्राक की आवाज़ है। मैं कहती हूँ आई मस्ट से कि आप इनको कोई भी गाना दे दो, इनकी आवाज़ ऐसी है कि वो ना ऐसा लगता है कि गाने में कोई ना कोई धोखा या दर्द तो है ही है। मतलब दर्द के बगैर गाना, इनकी आवाज़ जो है ना वो मतलब कंप्लीट नहीं होता दर्द जब तक इनकी आवाज़ ना हो। अच्छा, आई डोंट नो, इनके सॉन्ग्स में हमेशा धोखा और प्यार में धोखा, क्योंकि उनकी आवाज़ में दर्द है ना। अब तुम उनकी आवाज़ सुनो तो ऐसा लगेगा कि मतलब वाकई यार, मतलब सिंगल लोगों को भी ऐसा लगेगा यार कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में ऐसा, मतलब रियली इनकी आवाज़ बना देती है इस चीज़ को इतना अच्छा। अच्छा, अगर हम इस टीज़र की बात करें तो इसके अंदर एक मैंने वो सीन देखा जिसमें वो अपने आप को गोली मार रहा है। यार मुझे ना ऐसी एंडिंग नहीं पसंद जिसमें वो एक्टर मार लेकिन तेरा नाम धोखा रख दूँ मैं अच्छी थी, लेकिन वो इनका नहीं था ऑब्वियसली। और वो देखा था वो फिलहाल टू मोहब्बत, वो भी बी प्राक का गाना था और भी एंड में, उसमें भी एंड में बड़ा सैड सीन, और भी काफी सारे हैं जिसमें वो एंड में मार लेते हैं। यार मुझे नहीं पसंद ये मारने वाले, बट लेट्स सी इसमें क्या होगा। ये 25th को रिलीज हो रहा है तो मगर बी प्राक की जो आवाज है खत्म है सब कुछ। और इनकी जैसी आवाज, मैं कहती हूँ कि ये गिफ्टेड आवाज, गिफ्टेड आवाज है, इनकी जैसी आवाज हो ही नहीं सकती, मतलब मिलती जुलती भी किसी की नहीं हो सकती। एक होता है ना कि डिफरेंट ही आवाज है। द टीजर इज सो डिफरेंट, सो गुड। अच्छा, इससे कुछ अच्छा इससे मुझे इसमें एक टच मैंने देखा कि मुझे कव्वाली वाला एक टच है ना, गाना जैसे उठा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब आई डोंट नो वो कहाँ डालेंगे और वो कहाँ पे है, मतलब पंचलाइन है मेरा ख्याल से। हाँ, मेरा ख्याल वो पंचलाइन होगी समथिंग। So yeah, we are looking forward for this and 25th को जरूर आएंगे इसके रिएक्शन के साथ, तो आप लोग बने रहिएगा। बेल जो आइकन है उसको ऑन कर दें ताकि आपको रिएक्शन जो है ना फौरन मिल जाए। इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।